सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है संडे की अमेजिंग मॉर्निंग। अभी मतलब संडे की अमेजिंग मॉर्निंग में मैं उठ तो गया हूँ, लेकिन मीतू अभी सो रही है बिकॉज वो ना कल बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात को 3:30 बजे तक उसने काम किया, मैंने भी 3:30 बजे तक। ये जो आपने मॉर्निंग में सैटरडे को व्लॉग देखा है, मैं 4 बजे अपलोड करके सोया हूँ, क्योंकि वर्किंग डे में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है यार काम करने का, ना मतलब व्लॉगिंग के लिए कुछ काम करने का टाइम नहीं मिलता है। तो उस टाइम को थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच किया और हम लोग सुबह 4 बजे सोए और थोड़ा सा लेट उठे, लेकिन मैं तो भी सो रही है। और संडे को मुझे काम करना होता है, खास काम। पता क्या करना होता है? चाय मुझे बनानी होती है, जो कि मैं नहीं बना पाता हूँ हर संडे को, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं चाय बनाता हूँ। तो ज़रा मीतू के लिए चाय बनाते हैं और पिलाते हैं उसको चाय। ब्रूनो ब्रूनो कहाँ हो तुम? या ब्रूनो तो मुझे आजकल दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा ब्रूनो। और ये दोनों देखो, मतलब चाहे सैटरडे हो संडे हो, ये लोग हमेशा ना मतलब गिरे ही रहते हैं। अरे यार, तो खैर एनीवेज इनका भी संडे है तो उनको क्या परेशान करना, सोना है तो सोते रहो यार, क्या दिक्कत है। तो ठीक है यार, अभी मतलब चाय का मज़ा लेते हैं। और मीतू को उठा दिया मैंने, अब इसको चाय दे देंगे और उसके बाद फिर पुष्पा आ जाएगी, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे कहीं ना। तो यार चाय तो हमने पी ली है, और पुष्पा जो है ना, पुष्पा ने मतलब आज बड़ा एक डिफरेंट ब्रेकफास्ट बनाया हुआ है, ऑमलेट और बन गाना। तो ठीक है, संडे को थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल खाना चाहिए। उसने ऑप्शन दिया था कि भैया आपको ब्रेड में खाना है कि बन में खाना है। तो मुझे बन ना बचपन से बहुत पसंद है, तो मैंने बोला कि चलो बन वाला ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो बन और ऑमलेट खा लिया, और जिमी को मैंने कॉल किया, उसके फ्रेंड्स अभी भी घर पे ही हैं और दे आर हैविंग फन। तो मुझे नहीं पता है कि जिमी से मुलाकात होगी कि नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो मैं और मीतू या फिर मैं अकेला कहीं जाना होगा, तो मैं जाऊँगा और कुछ एक्सप्लोर करना है। मतलब वो आपको व्लॉग देखते रहना लास्ट तक, आपको पता लगेगा कि मैं क्या एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। बट पुष्पा बोलते हैं दोपहर का क्या प्रोग्राम है? पुष्पा बोलो। हाँ, तुम संडे को इतना जल्दी कैसे आ गई? आज लेट हो गए, पता। लेट हो गए? और क्या, ये लेट है? और लेट बता रहे तो? हाँ, पुष्पा के हिसाब से लेट है, क्योंकि अब क्योंकि हम लोग वर्किंग हो गए हैं ना, मतलब अब मम्मी अभी नहीं है फिलहाल, तो वैसे तो पुष्पा सुबह कर जाती थी, पर अब थोड़ा सा है तो उस वजह से उसको काम ज़्यादा है, संडे को थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ नहीं, बात ठीक है। पहले एक्चुअली मम्मी जब घर पे होती थी ना, तो मम्मी तो घर पे ही रहती थी, तो पुष्पा कभी भी आती थी। तो पुष्पा दिन में 2 बार आती थी, एक सुबह और एक शाम को। अभी जो है ना, संडे को सिर्फ सुबह आती है, वरना नॉर्मल डेज में सिर्फ शाम को आती है। तो वो तो खैर एक बात है। नहीं तो यार मेरा ब्रेकफास्ट ज़्यादा, अरे बन जो है ना मेरा मतलब बचपन का फेवरेट है। तो मुझे तो कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है ना, बन के साथ ही अच्छी लगती है। बल्कि मैं तो पाव भाजी बन के साथ खाता हूँ, और बर्गर में तो बंद होता ही है और ऑमलेट में भी बंद है। तो बंद मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बंद मक्खन खाता था पहले, स्कूल ले जाता था बंद मक्खन ना, और मलाई ले जाता था स्कूल में। तो बंद से मुझे पता नहीं कि अलग सा रिश्ता है। बचपन में 1 रुपये मिलता था ना, तो 2 बंद ले आता था खाने के लिए, क्रेजी। इट इज़ गुड। पुष्पा तुम जा रही हो क्या? हाँ भैया, तुम मतलब इतनी जल्दी आगे चली गई हो, मैं व्लॉग ही नहीं कर पाया हूँ। चलो ठीक है, सी यू इन द इवनिंग। समझ आ जाएगा उसे, बहुत अंग्रेजी है। बाय बाय। भैया बहुत ज्यादा अंग्रेजी आती है उसे? सच में? और तुमने सिखाई नहीं है? हाँ थोड़ा बहुत मैं सिखाती रहती हूँ, ताकि उसको समझ में आती रहे, पर अच्छा है वो सीख भी लेती है बहुत जल्दी, अच्छी बात है। अच्छा उसको बोलो कि पुष्पा थैंक यू सो मच, कह रही इट्स ओके। इट्स ओके बोल देते हैं भैया, जैसे बोलो ना थैंक यू सो मच, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, माय प्लेजर। अभी तो बारिश हो रही है क्या? भैया आज तो कुदरत मेहरबान हो गई है, मतलब संडे को छुट्टी वाले दिन बारिश। मतलब यार देखो, बारिश में मतलब एक फायदा तो है कि मौसम तो अच्छा हो गया है, लेकिन बाहर कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे बाहर बारिश में? तो बारिश में बाहर देखते हैं, इतनी लगातार तो
बारिश होगी नहीं, मतलब इतने घने बादल मुझे नहीं नज़र में आ रहे हैं जिससे मुझे लगे कि शायद ये सारा दिन बारिश होगी। बड़ा अच्छी बात है, थोड़ी सी राहत मिलेगी ना गर्मी से। हाँ तो बाहर जाने मज़ा तो आएगा ही। एक काम तो चलो अच्छा हुआ है, एक काम तो अच्छा हुआ है, बारिश हुई। अब बारिश हुई है तो मौसम हो जाएगा अच्छा, मन हो जाएगा अच्छा, और फिर कंटेंट जो होगा ना वो भी अच्छा ही निकलेगा, देयर इज नो डाउट इन दैट। थोड़ा सा और करा लो फटाफट एक घंटे में यार, मतलब। और फिर उसके बाद बारिश मत कराना, बादल, हाँ बादल बादल रखना, हाँ हाँ बारिश नहीं करानी, बादल रखने बस, हाँ थोड़े से घने एक्सपोजर ताकि ठीक बैठे। लेकिन बता दो जरा भगवान जी को कि ऐसा ऐसा कर देना यार। तो यार अभी ना जरा मार्केट जाना है, एक सामान लेना है, तो मैं सोच रहा हूँ ये जो चेयर्स है ना इनको जरा गाड़ी में रख देते हैं। तो इसको उठाना बड़ा आसान है, मतलब ये इसमें एक स्ट्रिप दिया हुआ है ना, इसको ऐसे पकड़ो और इसे पिक कर सकते हैं ऐसे। तो अरे नीतू मैं जा रहा हूँ। तो यार मेरे एक फ्रेंड ने नई गाड़ी ली है, हुंडई क्रेटा, नया मॉडल है, लेटेस्ट एंड वो टॉप मॉडल गाड़ी है ना। तो मेरा उससे मिलने का प्लान था, लेकिन अभी उससे कुछ डिस्कशन हुआ है तो शायद उसका कुछ अपना एक प्री एंगेजमेंट है तो वो वहाँ पे बिज़ी हो गया। उसने मुझे बोला था कि मुझे मतलब एक घंटे में कन्फर्म कर दूँगा, अब एक घंटे में कन्फर्मेशन ये है कि वो आज नहीं मिल पाएगा। तो उससे जो है ना वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में मुलाकात करेंगे, उसकी नई गाड़ी को एक्सप्लोर करेंगे। और यूएस से आने के बाद ना मैं वैसे मिल नहीं पाया हूँ, तो आई जस्ट थॉट कि अगर मिल लेंगे तो अच्छा लगेगा। ही इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, शैली इज़ द नेम। तो नोएडा जाना था मुझे लेकिन नोएडा तो आज नहीं जाएंगे, तो हमने प्लान में कर दिया चेंज। अरे तो भैया मैंने चेयर्स कर दी हैं सेट, और अभी प्लान में मैंने क्या चेंज किया है कि मैंने आशय को कॉल किया और उससे पूछा है भैया कहाँ हो तुम। तो आशय का मोस्ट प्रोबेबली प्लान बन रहा है मेरे पास आने का, एक्चुअली मनीषा इज़ एक्सपेक्टिंग। तो अब उसको फ़ोटोशूट कराना था, अब फ़ोटोशूट कराने के लिए सर कह रहे हैं यार ये तो बड़ा कॉस्टली अफेयर है। तो मैंने कहा कॉस्टली अफेयर मत करो, मेरे पास आ जाओ, अगर मैं कुछ कर पाया तो मैं कुछ फ़ोटोशूट कर दूँगा मनीषा का ना। तो मनीषा और आशय दोनों आने वाले शाम को, तो सिर्फ फ़ोटोशूट तो नहीं होगा, पार्टी भी होगी। तो अगर पार्टी करनी है तो पार्टी को कुछ अरेंजमेंट करना है, तो वही अरेंजमेंट करने ज़रा चल रहा हूँ फटाफट ना। तो अरेंजमेंट करते हैं, और जब आशय मनीषा शाम को आएंगे ना तो आज शाम जो है ना डिफरेंट होने वाली है। तो अभी फटाफट से चलते हैं और गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट सामान लेके आते हैं। यार ये पानी देख रहे हो, पानी ये पानी पता है कहाँ से आ रहा है, ये पानी आ रहा है भैया यहाँ से। अब यार एक मतलब नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि मेरा जो होंडा ग्लास है ना, फ्रंट शील्ड है, वो यार शायद कुछ लीक कर रही है। अब आई डोंट नो, इसका भी कुछ कराना पड़ेगा। अभी आज तो टाइम नहीं मिल रहा है, बट पानी बहुत आ रहा है अंदर, तो थोड़ा सा रिस्की है। अगर तेज़ बारिश होती है ना तो बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ जाता है, तो इसको भी ठीक कराएंगे। अभी आज तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल जब वर्किंग हुआ ना तो वहीं आसपास किसी को दे देंगे। वो ग्लास वाला आता है, ग्लास उतारता है, दोबारा पेस्टिंग करता है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन होना इज़ लाइक गलत है यार। अभी तो कभी कराया था मैंने, पता नहीं यार। तो यार मेरे पास अभी मतलब आशा मनीषा का कॉल आया, तो वो आने वाले थे 5 बजे, लेकिन अभी वो आ रहे हैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि मनीषा और आशा को थोड़ा सा गाड़ी में घूमने का मन कर रहा है। तो वो कह रहे हैं पहले हम आएंगे तो तुम लोग नीचे आ जाना और हम लोग नीचे मिलेंगे, और फिर पहले एक चक्कर काट के आएंगे और उसके बाद फिर पार्टी शुरू करेंगे। तो वो आएँ उससे पहले मुझे कुछ सामान लेना है, तो सामान मुझे पास वाली बालको मार्केट से लेना है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। तो बालको मार्केट से सामान लेते हैं फटाफट ना यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है
और मेरे पास सिर्फ 20 मिनट का समय है, 20 मिनट मेरे पास सिर्फ बचे हुए हैं। बारिश की बात मुझे थोड़ी सी धूप नजर आ रही है यार, मौसम ना बस खराब ना हो जाए। ये भी सब उल्टा उल्टा चलता रहता है, कभी कभी मौसम अच्छा होता है, कभी धूप निकल आती है, मतलब कभी तो मूड अच्छा होता है और कभी मूड में ना क्या ही बोलूं, आप लोग समझ रहे हो ना, मतलब जब अच्छे मौसम के बाद तुरंत धूप आ जाए तो आपको कैसा लगेगा, वैसी वाली फीलिंग ना हो जाए। सॉलिड गाइस सारा सामान ले लिया और अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। मीतू का फ़ोन आ गया, उसको भी जाना है मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि आशा के आने के बाद तो अपन लोग मतलब रात तक बुक हो जाएंगे ना, उसके बाद कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मीतू सर की तुम जल्दी आ जाओ, फ़ोन आ गया, देखो फ़ोन आ गया भैया। हाँ मनी, ठीक है बस तुम दो मिनट रुको, आ रहा हूँ मैं। तो यार ये लोग तो गेट के नीचे पहुंच गए हैं, अभी मैं घर जा रहा हूँ, मीतू को मार्केट जाना था, वो तो शायद नहीं हो पाएगा। तो यार एक काम करेंगे, नहीं सर घूमने जाएंगे ना, तभी मीतू वाला सामान पिक कर लेंगे, मतलब ऐसा कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं, बड़ा बढ़िया सामान रखते हैं ताकि इनके साथ जा पाएँ। सामान लेके फटाफट से मतलब पहुंचते हैं ऊपर, और शायद ना नितिन और विंशी लोग भी आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उनको एक बारी अटेंड करते हैं। और मेरे ख्याल से मीतू ने शायद आशा मनीषा को कॉल कर दिया है कि अगर तुम वेट कर सकते हो तो वेट करो, या फिर ऊपर आना है तो ऊपर आ जाओ। तो इसको फिनिश करते हैं ना फटाफट से, चलो 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 भैया। जब काम आता है ना तो इतना आता है कि सब घूम जाते हैं। ये अरे चिकी, ये छुप क्यों रही हो सब? मैं तो बहुत ही गंदी लगती हूँ, मेरी बात देखो, ये आएगा तो है ही। तो भाग क्यों रहे हो? मैं पता कैसे, वो वाले भी एक जो मूवी थी वो, तो तुम जा क्यों रहे हो? नहीं अच्छी लग रही है, इट्स वेरी स्वीट, क्यूट लग रही है। जा क्यों रहे हो? मैं वही कह रही हूं, जाओ बेचारे ने आपको तो पता चला कि मनीषा और मैं फिर हम जा रहे हैं, तुम वो मिल। अरे मेरे काम आ गया ना, अभी आप उनको अटेंड करो, कैरी ऑन बाय, जल्दी जा लो मुझे, बाय चुआ। तुमने फोन किया था आशय को? हाँ, तो यार एक काम करते हैं, अभी मतलब ये लोग चले गए हैं, इनको पता लगा कि मनीषा और आशय आने वाले हैं तो ये लोग चले गए हैं। तो एक काम करते हैं, अभी कुछ तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको नीचे तो रखेंगे नहीं, ऊबर बुला लेते हैं, इससे ज़रा बात करते हैं, और क्योंकि तैयारी करनी है थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन पीस आउट। We'll be right back.